उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो भगवान के घर पर भी डाका डालने से नहीं कतराते। चोरों ने फिरोजाबाद शहर के मंदिरों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चोरी का ये ताजा मामला शेकोहाबाद क्षेत्र के बोझिया आवास विकास कॉलोनी में स्थित काली मंदिर का है, जहां देर रात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर से घंटे, साउंड मशीन, पीतल के बर्तन, माता की साड़ी, दान पात्र से नकदी चोरी कर लिए और फरार हो गए। वहीं जब सुबह लोग पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। क्या घटना हुई है? हमारा नाम शिव शंकर है। मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे पहले भी 9:10 की रात्र में, फरवरी में चोरी हो गई थी, जिसमें इन्वर्टर, बैटरा और रूम हीटर वगैरह, पंखा वगैरह आधे और धनराशि ले गई थी, उसमें से तोड़ के क्या नाम दान पात्र में से, जिसके संबंध में एक एप्लीकेशन पहले भी दी गई थी थाने में, और उसमें दो व्यक्ति भी पकड़े गए थे बोझिया के, जिनको पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया पूर्व में। इसके उपरांत आज 21:22 की रात्र में फिर पुनः चोरी हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, कि बार बार यहाँ चोरी होती है, इससे मंदिर से जुड़े हुए लोगों का मनोबल डाउन होता है। तो मैं ये प्रार्थना करूँगा इंस्पेक्टर साहब से कि वो इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के ये चोरी अवश्य खुलवाएं। क्या क्या सामान चोरी हुआ है आज? आज घंटे हैं पीतल के, करीब 8-10 घंटे हैं पीतल के, और हाँ, और छोटा मोटा सामान है। मैया की पोशाक थी, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके मतलब साड़ी की तिजोरी से तोड़ करके कुछ धनराशि भी ले गए, साउंड की मशीन थी वो भी ले गए। वहीं मंदिर में चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने मंदिर के पुजारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।